हमसे हमेशा जुड़े रहने के लिए हमें सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। अवैध देसी शराब से भरी बुलेरो कैंपर पकड़ी गई। जिले की ग्रामीण पुलिस ने दिवाली पर भोपालगढ़ थाना क्षेत्र में अवैध देसी शराब से भरी एक बुलेरो कैंपर जब्त कर तस्कर को गिरफ्तार किया, साथ ही एक मोटरसाइकिल भी जब्त की गई। ग्रामीण पुलिस अधीक्षक राजन दुष्यंत ने बताया कि आगामी विधानसभा चुनाव के मद्देनजर जिले में चलाए जा रहे अवैध मादक पदार्थ तस्करों के धरपकड़ अभियान के तहत सूचना मिली कि स्टेट हाईवे नंबर 63 द्वारा नागौर और सीकर जिले से अवैध शराब की तस्करी की जाएगी। इसी दौरान पता चला कि बावड़ी निवासी तस्कर महेंद्र सिंह पुत्र भवानी सिंह की बुलेरो कैंपर का स्टेट हाईवे नंबर 63 पर देवातड़ा भोपालगढ़ के पास टायर फट गया है और वे अवैध शराब अन्य गाड़ियों में शिफ्ट कर रहा है। इस पर स्पेशल टीम द्वारा तुरंत भोपालगढ़ थाना अधिकारी को सूचना देकर जाप्ता बुलाया गया। मौके पर करीब 10 व्यक्ति बुलेरो कैंपर गसे शराब उतारकर अन्य दो गाड़ियों में शिफ्ट कर रहे थे। पुलिस की गाड़ी को देखते ही उनमें हड़कंप मच गया और गाड़ियों सहित फरार होने लगे। इस पर स्पेशल टीम ने तुरंत कार्यवाही कर बुलेरो कैंपर और एक मोटरसाइकिल कब्जे में ले ली और एक तस्कर कास्ती थाना खेड़ापा निवासी हनुमाना राम पुत्र बीमा राम जाट को दस्तयाब किया। इसके बाद स्पेशल टीम और थाना भोपालगढ़ जाप्ते द्वारा फरार वाहनों और तस्करों का पीछा कर नाकाबंदी करवाई गई, लेकिन रात्रि और कच्चे रास्तों का फायदा उठाकर तस्कर गाड़ियों सहित फरार हो गए। बुलेरो कैंपर के अवैध शराब के 95 कार्टन पाए गए, जिसका बाजार मूल्य अनुमानित 5 लाख रुपए बताया जा रहा है। मुख्य तस्कर महेंद्र सिंह और उसके पिता भवानी सिंह पुत्र गुमान सिंह, हनुमान सिंह पुत्र रान सिंह निवासी कास्ती थाना खेड़ापा जोधपुर और देवातड़ा निवासी रेवत सिंह सहित अन्य 7 तस्कर गाड़ियों सहित फरार हो गए। पुलिस अधीक्षक ने बताया कि मुख्य तस्कर महेंद्र सिंह अपनी गाड़ी में ब्यावर सीकर और नागौर के इलाके से अवैध शराब भर कर लाता है, जो जिले को विभिन्न मार्गों यथा केड़ापा और भोपालगढ़ के रास्ते से आता है। वो अवैध शराब को जोधपुर शहर और ग्रामीण दोनों ही जगहों पर विक्रय करता है। जोधपुर से जागरूक टीवी की रिपोर्ट।